Hello, good morning YouTube. You're watching my two channels in life, and good morning to all, and welcome to another episode with another day. सो गाइज मैं अभी उठा, मैं रात में बहुत ज़्यादा थक चुका था, खाना भी नहीं खाया था, मैं जस्ट दोपहर में खाना खाया था, उसके बाद मैं खाना भी नहीं खाया था, आया ब्लॉग इन किया, मैं सो गया और सोने के बाद मुझे ऐसा नींद आया ना कि रात सुबह ही पता नहीं चला, रात में ही पता नहीं चला, दोस्त लोग भी बोले मेरा डाटा ऑन था, मैसेज किया रिप्लाई भी नहीं किया, सुबह जस्ट अभी उठा हूँ और अभी उठने के बाद मैं मेरे लेग्स में पता चल रहा है मेरे कट्स लग गया था, जब मैं पानी में जाऊँगा शायद वही समय मेरे कट्स लगे थे, तो मेरे कट्स लगे हुए हैं तो मैं चल नहीं पा रहा हूँ, रात में तो पता नहीं चला, कल ही पता नहीं चला, मैं जब सुबह उठा और पानी गया उस पैर पर और ठंडा लग रहा है ना तो अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है चलने में, तो सो गए जब हम सुबह उठे हैं और अपनी बाइक को देखते हैं कि कैसा है मेरा बाइक और क्या हाल चाल है उसकी, सो गाइस हम लोग मिलते हैं आगे, चलो मेरी बाइक वहाँ लगी हुई है साइड में अपने स्कूटी के साथ, तो हम लोग आगे बढ़ते और देखते हैं, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ गाइस, देख रहे हो मेरे पास ईजियर, सो रात में ठंडी लग गई होगी इसको, वो कुछ 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 रात में ठंडी लग गई होगी, देखो कितना डस्ट लगा हुआ है गाइस, ये देखिए कितना डस्ट लगा हुआ, अभी भी इतना डस्ट लगा हुआ है नीचे, तो भाई पैंट ही बच जाता है इस गाड़ी में, तो नहीं पर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, देखिए यहाँ पे कंसोल में क्या हो गया, कंसोल मीटर में क्या हो गया, पूरा डस्ट बैठा हुआ है गाइस, और नीचे भी भाई इसमें तो कुछ कहना ही नहीं, ये देखिए आज गाड़ी को धोना पड़ेगा अच्छा खासा, देखिए मीटर कंसोल में कितना डस्ट बैठा हुआ है भाई, कितना प्यारा लगता है दूर देखने तो कितना प्यारा ही लगता है, देख रहे हैं ऑफ रोडिंग किया रोड पे इतना स्पीड चलाया, पर मेरा बाइक है ना इतना कंफर्टेबिलिटी के साथ चला ना, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मैंने पहला राइड लिया था इतना लंबा राइड, पर गाइज एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई भी अगर मॉडिफिकेशन चाहिए होगा इस बाइक के लिए तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो कि कैसा मॉडिफिकेशन आपको चाहिए इस बाइक में, क्योंकि मैं मॉडिफिकेशन कराने का सोच रहा हूँ, आप लोग जैसा बोलोगे जिस टाइप से आपको अच्छा लगेगा उस टाइप से आप मुझे सजेस्ट करो, कमेंट बॉक्स में जाके लिख दो कि कौन सा आपको मॉडिफिकेशन चाहिए इस MT15 के लिए, तो रांची में अभी टेम्परेचर 13 डिग्री है गाइज, और सुबह उठते ही हालत ख़राब हो जाती है, मतलब पानी छुआ कि नहीं छुआ ऐसा लगता है कि मैं कोई बर्फीला जगह पे आ गया, सो गाइस आप लोग ये चीज़ कमेंट में जाके बता दो कि मैं डेली ब्लॉग करूँ या ना करूँ, सिचुएशन ऐसा है ना कि कभी कभी हो पाता है कभी कभी नहीं हो पाता, क्योंकि सिचुएशन हमेशा सेम नहीं होता ना इसकी वजह से, तो अगर आप लोगों को ज़्यादा कमेंट रहेगा तो मैं ज़रूर आई होप कि मैं डेली ब्लॉग करूँगा, लोग देखते भी ना तो बोलते हैं ये कौन सी बाइक है, तो सब सोचते हैं ना मेरे जो बाइक है वो KTM की है, तो सो गाइस मैं बता दूँ ये KTM के नहीं है यहाँ की है, मैं जो नहीं जानते उसके लिए, जो जानते हैं उसके लिए अच्छा है, जो मेरे दोस्त भी बोले थे जब मैं वो दोस्त के पास गया था ना मोरवादी में, तो बोलते ये KTM है क्या, तो मैं बोला नहीं भाई KTM नहीं है यामा है, यहाँ पे लोगो लगा हुआ सो गाइस हम लोग मिलते हैं टिल देन, हम लोग को अभी फ्रेश होंगे जाके, क्योंकि मेरा क्लास रहता है ऑनलाइन क्लास 10 बजे से रहता है 10 से 11, 11 से 12 और 1 से 2, तो सो गाइस मेरा साथ एग्ज़ाम भी होने वाला है मैथ्स का, तो मैं एग्ज़ाम मैथ्स का एग्ज़ाम दूंगा, तो उसके लिए मैं आगे मिलता हूँ आपसे, ठीक है, be safe, ride safe, so in signing out, bye.